चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सबसे मेन कोरोना कॉल में जो हमारी लिटरेसी रेट है वो बहुत डाउन होगी। हम दाल के साथ कह सकते हैं कि 5 साल में ऐसे भी लिटरेसी रेट हाई नहीं होने की दिन डाउन होगी। की बार तो लटकाट देगा युवा बीजेपी के इस्तेसी फोन जान रहा बीजेपी संविदा पर नौकरी करनी पड़ेगी कहीं। ऐसे तो भाई गवर्नमेंट का जब निजीकरण लग रहा, बैंकों में काफी नौकरियां निकल कर थी, उनका निजीकरण होगा, विलय होगा, बैंक कम होते जा रहे। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम शामली विधानसभा सीट के डांगरोल गांव में हैं। ये जानते हैं क्या राय है इस बार चुनाव को लेकर। पिछली सरकार से आप कितना खुश हैं? पिछली सरकार तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ भाई मैं। क्यों, क्या वजह है इसकी? उसने कुछ नहीं करा भाई, कोई रोजगार नहीं मिला, सब नहीं जानता भूखी बैठी, किसान ऐसा ही कर दी उन्होंने, कुछ रोजगार नहीं मिला। आपके यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है? भाई मेरे यहाँ रोजगार की स्थिति यह है, 2018 में एक SSC GD की जो है भर्ती हुई थी, उसमें कुछ युवा तो चले गए और कुछ युवा जो मेडिकल फिट युवा हैं, 3 साल से अपने घर बैठे 2018 के मेडिकल फिट होने के बाद, और उसके बाद स्थिति यह है कि कम से कम अगर वे 2018 में अगर उनकी ज्वाइनिंग हुई होती, आज 3-3 साल की तनख्वाह पा गए होते, और या 3 साल की तनख्वाह जो है सरकार उनकी चट करेगी, तो उसकी वहाँ से जो विभाग से उनकी तनख्वाह चढ़ चुकी उन्हें मिलेगी। 3 साल की तनख्वाह कितने युवा भर्ती होंगे, उनकी तनख्वाह चट करना कितनी बड़ी बात है। सबसे मेन कोरोना काल में जो हमारी लिटरेसी रेट है वो बहुत डाउन होगी। हम दाल के साथ कह सकते हैं कि 5 साल में ऐसे भी लिटरेसी रेट हाई नहीं होने की दिन डाउन होगी। सबसे मेन बात यह है महंगाई कितनी पड़ेगी। पिछली गवर्नमेंट को देखो, गैस का कनेक्शन देख लो आप, तेल पर देख लो कितनी महंगाई, इतना मार्केट में इतना डेयरनेस हो रहा, इतनी कि गरीब आदमी बिल्कुल भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। पर मोदी के जो विचार है वे कुछ और है, जो काम करे वे कुछ और करे। 2 करोड़ के रोजगार के लिए कह रहे थे भाई, 2 करोड़ में मैं मान लूँ, 2 करोड़ में ज़्यादा मैं कहता नहीं, मुश्किल तो टीचर की वैकेंसी देख लो आप, एक भी पुलिस की देख लो, इससे अलग कोई वैकेंसी नहीं निकली है। ये दो या क्या पूरे उत्तर प्रदेश में दो ही वैकेंसी है टीचर की और उसकी, यदि नौजवान भारतीय खड़े इन्हें जाता कुछ, इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा क्या होगा। गवर्नमेंट जॉब तो ख़त्म ही हो रही, जो इनका गवर्नमेंट चांस था पढ़ने का किसी का, वो तो ख़त्म ही हो रहा, हर डिपार्टमेंट बेच दिया गया। कोरोना काल में पढ़ाई की कैसी व्यवस्था थी भाई? पढ़ाई की मैं तजर्बा व्यवस्था बता दो, बिल्कुल नाश कर दिया सरकार ने, तो बीजेपी सरकार ने बिल्कुल तान तंग मचा दिया पढ़ाई के चक्कर में। तो छोटे छोटे बच्चे फ़ोन पर लगा दिए कहने कहने से, वे फिल्म देखा उनमें गेम चलावे, किसे पता था यहाँ पबजी गेम है, किसे पता था भारत में पबजी गेम है, पता था शहर सूर में एक आधे में दिल्ली जैसे बड़े शहर में, गाँवों में सब पबजी खेल रहे हैं जब बड़े फोन तक। रब की बार तो लटकाट देगा युवा बीजेपी के इस्तेसी फोन जान रहा बीजेपी को भी जा। नरेगा मजदूरों में किस काम तो आज तक कोई काम मिला नहीं, सब बच्चे तो सब बेरोजगारी हो रहे हैं, अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही, आप देख लो बेरोजगारी बढ़ती नहीं जा रही। इतने लंडे नदी को लटके आए, ये लड़के खड़े हैं बैठे, इनमें क्या कम है। अगर मैंने ये कहा था कि सभी बता दें कि यहाँ पर कंपनी बनेगी, भारत देश सच का विकसित होगा, मैं तो लगता है जो डेवलपमेंट हो जाए कुछ नहीं होगा। बता कौन सा युवा लग गया रोजगार पे, जो लग रहे थे भी बेचारे गुरु पेड़ गए अपने आने के, जो प्राइवेट कर रहे थे, और कोरोना काल में तो ऐसी हुई सबकी, जो बेचारे प्राइवेट कर रहे थे उन्हें घर लो आने के साधन भी नहीं मिले, वे पैदल आए 5-5, 6-6 दिन भूखे पड़ गए, होटल भी खुले नहीं मिले रास्ते में उन्हें, जो कहीं रोटी खा ले न किराए के पीछे थे उन पर, पैदल आए बेचारे आराम से भूखे थे, साए मरते, पानी भी नहीं मिला रास्ते में, कहीं भर रहा 10 दिन का पानी, वो ट्वेल पर तो वो पी लिया, खाड़ में चल लिया कहीं वो पी लिया, नू टेम काट गया कटिया भाई कोरोना काल में। तो कोरोना काल में किस तरीके से कार्य कर पाए सर? भाई कोरोना काल में मैं तो जब बता दूँ कुछ भी काम नहीं होया, कोरोना काल में तो नाश हो गया गरीबों का, तो बेचारे हुए तो भूखे मर रहे, अभी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा सही, के करे गाँव में 300-400 रुपये मजदूरी दे, 8 है घर में आदमी खाने वाले, 2 कमाने वाले, बता कहाँ तक काम चल जाएगा।
उनमें बेचारे स्कूल में पढ़न जा, मास्टर के एक रहा, मास्टर फोन चला रहा बैठ के कुर्सी पे, बच्चे खेल रहे एक साइड में, ऐसा काम हो रहा है गाँव में। तो सरकार सभी चीजों का निजीकरण कर रही है, तो इसका आपके भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? भाई भविष्य पर तो दिखे सर पड़ेगा, इंटर पास हो ली मेरी भी बीजा, इब सब कुछ प्राइवेट हो लिया, हम भी सोचे देखे दी जिमनो भी दसवीं में देमा का सरकारी नौकरी ले गए, पर इब तो इच्छा ही खत्म हो ली, इब तो नाशी हो लिया सारे के सारे काम का, सब कुछ प्राइवेट में जा लिया, जिस भी बाग में हमने सोची थी सब बिक गया, नाश कर दिया सारा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। और नहीं कहाँ है रोजगार, रोजगार है ही नहीं, दैग ही कहाँ था जी, है नहीं रोजगार उसके अलावा। नू कहता गरीबों कहते मैं 5-4 लाख रुपये गिरेगा, बड़ा धन इकट्ठा होया, वो 5 रुपये भी नहीं आए, 5-4 लाख रुपये तो जिप गिरेगा। और दुनिया बदल उठ लिए, बैंक बैंक में तो मुद्रा बदल दी, लाइन लगा दी, गरीब परेशान होया बेचारा, जो जो बड़े आदमी हो निके तो हो गए घर बैठ ही काम, ये बेचारे 1000-1500 रुपये जो उन्होंने लगो पको के रखे थे, वे सारे अगले दिन 10-10 दिन लाइन में लग के जिप तो नहीं चेंजिंग हुए बदले गए, और नहीं नहीं सब बेचारे को कुछ के धरे रह गए कि गया ही नहीं कोई। जान को तो ऐसा देखते हुए लग रहा संविदा पर ही नौकरी करनी पड़ेगी कहीं, ऐसे तो भाई गवर्नमेंट का जब निजीकरण लग रहा, बैंकों में काफ़ी नौकरियां निकल लग रही थी, उनका निजीकरण होगा, विलय होगा, बैंक कम होते जा रहे, और इसमें तो भाई रोजगार मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा आगे चल के। पिछली सरकार को लेकर नौजवानों में काफ़ी गुस्सा है, और इस नौजवानों का कहना है कि इस बार बीजेपी को हम उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जुड़े रहिए चलचित्र अभियान के साथ, उत्तर प्रदेश के चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।